हमीरपुर के कृष्णानगर में घर में घुसकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। मामले में बड़े बेटे के साले ने घर में आकर महिला और युवक से मारपीट की है। वहीं मामले की शिकायत पुलिस में करवाई गई, लेकिन कार्रवाई ना होने पर परिवार निराश है। कृष्णानगर की निवासी कांता देवी और बेटे अश्विनी ने आप बीती सुनाते हुए बताया कि बड़े बेटे के साले ने घर में आकर बिना वजह से मारपीट की और हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी तक दी। मारपीट में छोटे बेटे के कान का पर्दा तक फट गया तो महिला के सिर व मुंह पर चोटें आई हैं। कांता देवी ने बताया कि बड़े बेटे ने अपनी मर्जी से शादी की है और अब वे अपने ससुराल में रहता है। उन्होंने बताया कि बेटे के साले द्वारा कई बार आकर मारपीट पहले भी की जा चुकी है और इस बार तो वे हथियार लेकर घर में आया था, जिससे पूरा परिवार डरा हुआ है। बहुत मार कटाई थी, मेरे बेटे मारा था एफ डी, और जब मैं छुड़ाना गई तो मेरे ने गलतार करने लगा, मुझे बड़ा मारे हमने, बेहोश हुई है दो जड़े समझे मैं मारे तो मुझे बेहोश हुई है, लोहे कड़े ने मारे तेने दिन थी हथे ले गए, लोहे तेने पिस्तौल हथे ले गई इतनी छोटी पता नहीं कैसी है, उसने मारने ही कड़ी थी यहाँ पर मार देने खत्म कर देने, बड़े मुश्किल आए होश आई, बड़े मुश्किल हम छुट्टा लग गए तो घर गया, घर के भी सामने मारने पे गए, वो मतलब घर वो भी पे गए मारना, माँ भी पे गई मारना, मतलब हम जो बुरी हल्ले मारी मारने बेहोश कर गया ना, हम बड़े मुश्किल तो नठी थे घर को, फिर अभी पुलिस वाले फोन किया, पुलिस नहीं आई, फिर मेरी मुझे करनाल है उन्हें फोन किया तो पुलिस आई, हूँ एम्बूलेंस को आए हाँ जो हॉस्पिटल उतने हम जो टीका टाका कराए अपने पैसे की दवाई ले जाए पैसे नहीं लेने की होता, फिर दवाई ले फिर अहम जो पुलिस उत्तर छंडने चले आए अहम थले रही है, फिर यह पैदल आई के कृष्णनगर 3 बजे पुजे आए, फिर उसके बाद पुलिस ने कोई नहीं बोले फायर दर्ज करती हो क्या, कोई अलग कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं है अहम कोई कुछ मंग नहीं ना, इससे पहले भी नहीं पहले तेज होया तब कुछ नहीं होता, हूँ करा देता भी कुछ नहीं होगा, चौथा दिन नहीं होता एक कंडीशन ऐसी कुछ नहीं मिलता, अहम जो जाने का खतरा हर बेला बड़ा मुनू मेरा इन्हें ना रहा खुद भी खतरा सब, क्योंकि वो बिल्कुल ना किडनैपर साइड रखे वो ना साढ़े ना गल कर सकता ना आई सकता ना साड़ा देखी सकता, कुछ जाते हैं कुछ जो भी करेंगे नीचे सब हमारे यहाँ तो देखने हमने कैसे रहना, दो माँ बेटा घर रास्ता हमारा वही है, रास्ते से हम जा नहीं सकते ऐसे, उस रास्ते से हम ऐसे जा नहीं सकते हैं, डरते हुए जाते हैं, जिससे कोई नहीं डर ले, उसने कई बार मारा हमें उन घर वालों ने मारा, कुछ नहीं करती पुलिस, अब 5 साल से उसकी बहन ने शादी कर ली है, उसके बाद उसकी रंजिश रखता है, बहन उनके पास रहती है किराए पर रहती है उनके पास रहती है ना, मेरा बेटा आता ना वो आती है, फिर हमारे से क्या रंजिश, हमारे से क्या रंजिश, मैं तो माँ बेटा हूँ दो रखते हैं, मुझसे कोई बात की नहीं, कोई लेना देना नहीं है ना, अच्छी मैं ना बुरी घर नहीं आती है, उसने भी घर में आके कई बार मेरे को मारा पीटा, अच्छी करते हैं हाँ जी, ड्राइवर गाड़ी चलाता है पता नहीं वो कई कई धंधे को करते रहते क्या क्या काम करते रहते, मेरे कोई वहाँ मुझे नहीं पता कि उसके पास कागज है या नहीं है, पिस्तौल है उसके पास और भी हथियार है उसके पास हाँ जी, उसने कोई माइंड भी कर रखे हैं हाँ जी, कई को मारे उसने कई को मार भी दिया जान से, थोड़े दिन पुलिस अंदर करती है फिर छोड़ देती है, और भी गलत गलत काम करता है। वहीं छोटे बेटे अश्विनी ने बताया कि जब घर के पास ही दूध लेने वे जा रहा था तो अचानक ही उसके ऊपर हमला कर दिया गया, जिससे मुंह पर चोट आई है और कान का पर्दा भी फट गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस में मामला दर्ज करवाने पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और उन्हें यहां से वहां दौड़ाया जा रहा है। भाई का साला जो है जो जाते टाइम में को शनिवार को रात को उसने मारा और साथ में पिस्तौल उसने मेरे पे, तब तो उसके बाद किया तो पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया कि वो सर क्या बोलते भाई मेरा मतलब मैजिक ही हुई है उसके बहन के साथ ना, तब आपस में उनकी बनती है पर मेरे साथ में ये करते हो ना, बताओ तो
और आपकी मदर को कहाँ कहाँ लगी? मेरी मदर को भी उसने इसके साथ क्या बोलते करते गए उनकी साइड से मारा हुआ सिर में, और ये हमारे गीत थी साथ जो आज देखते हैं उसके साथ, और ये मारा बहुत बुरी।